हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन में फिर से आपका एक नई रेसिपी के साथ स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम ताज़ा लौकी ली है, जिसको अच्छी तरह से वाश किया है और इसको अच्छी तरह से ऊपर से स्किन हटा दिया गया है। और अब इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया गया है। यहाँ पर हम मसाले के एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, दो ग्रीन चिली, दो प्याज जिसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब गैस को ऑन कर दिया है। इसको अंदर हमने कढ़ाई को रख दिया गया है और कढ़ाई के अंदर दो चम्मच सरसों के ऑयल डाल दिया गया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर तड़के के लिए जीरा डाल दिया है और अब इसके अंदर प्याज ऑनियन डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और हमने जो मसाला तैयार कर रखा था वो डाल दिया गया है। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो लौकी थी वो हमने कट कर रखी थी वो डाल दी है। अब इसको चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए उसको पकाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। वीडियो में लगातार बने रहे। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बगल में बेल आइकन को अवश्य दबा ले ताकि समय पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। अब इसके अंदर हम एक गिलास पानी डालेंगे। आप ग्रेवी कम या अधिक भी रख सकते हैं। ये देखिए, चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। कवर को हटा कर देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनने वाली है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, गैस को बंद कर दिया है और इसको हम एक अलग बाउल के अंदर डाल देंगे सब्ज़ी। ये देखिए, बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसको आप रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।